हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। सारे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल पर भारत स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4% पे भारत स्थित है। कहीं कहीं ये आपको 2.42% भी मिलेगा, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितनवा स्थान है? अगर एरिया वाइज देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पर है, और पहला स्थान कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा देश तो रसिया है, यानी रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको लेके कई स्टूडेंट में भाई बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, आज मैं एकदम इजी वे में बता देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, इसको एरिया डिवाइड करने के डायरेक्शन के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी में स्थित है। ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण, ये मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ये तो बहुत ही ईजी है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? VVI एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरती है, एकदम बीचों बीच, ठीक है, और 8ों राज्यों के नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी ये राज्य के नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, भारत वर्तमान में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भारतीय राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, यानी यूटी यूनियन टेरिटरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक न्यायोत्तर रेखा है? ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 84° 82° 30' ईस्ट, यानी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या नाम है जो भारत और चीन के बीच है? जिसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री जो भारत और पाकिस्तान के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर ये रेड क्लिफ की रेखा का निर्धारण किसने किया था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल राशि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आज मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंदिरा कॉल जो होता है उत्तरी बिंदु को कहते हैं, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो होता है नॉर्थ बिंदु यानी साउथ पॉइंट को कहते हैं। और ये वलांगू की बात करें तो भारत के पूर्वी जो बिंदु होती है, ईस्ट जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? वलांगू के नाम से जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? सरक्रिक, ये गुजरात में है, इसको पश्चिमी बिंदु को कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की तटी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो भारत की मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23° 30' उत्तरी अक्षांश जो होता है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, इसको 23.5° उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन बी बांग्लादेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटे का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। और आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने की थी, ऑप्शन सी पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। होपफुली वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।